नमस्ते, दीपज्योति क्रिएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक कुकिंग वीडियो लेकर आई हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी का मन पसंदीदा पोहा रेसिपी है ये। 5 मिनट में हम इसे बनाकर भोग चढ़ा सकते हैं। सामग्री की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ही गिने सामानों में ये बन जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है पोहा। पोहा को मैंने साफ़ कर लिया है, अब हम इसे पानी डालकर धो लेंगे। 2 बार पानी डालकर धोकर आप इसे साइड में रख दीजिए, अच्छे से भीग कर खिला खिला आ जाएगा, देखिए इस तरह से। और मैंने यहाँ पर लिया है पैन। पैन में थोड़ा हम घी डालेंगे, आप 2-3 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मेवा, थोड़ा फ्राई कर कर हम इसे बाजू में रख लेंगे गार्निश करने के लिए, और खाते समय मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, इसलिए आप चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के अनुसार आप डाल लीजिए। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, देखिए इतना हो गया तो बस है। किशमिश आपके फूलने के बाद आप निकाल कर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है गुड़। 1 कप पोहे के लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 कप भी डाल सकते हैं, या फिर आप 1/2 कप डालकर थोड़ा कम मीठा भी कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा पानी डालकर गुड़ को पिघलने तक यहाँ पर हमें गर्म करना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा देर पक रही है, मैं इसमें डाल रही हूँ कलर ताकि वीडियो में अच्छे से आ जाए, इसलिए ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें आपकी मर्ज़ी है। इसमें हम डालेंगे 1 इलायची, मैंने बारीक कूट कर ले लिया है, और यह है कपूर। इसे डालने से प्रसाद में एक अच्छा सा स्मेल आता है, और अच्छे से अरोमा के साथ खाने में भी मज़ा आता है। अब हम इसमें ज़्यादा देर पकाना नहीं है, उसके बाद तुरंत हमें पोहा डाल लेना है। देखिए खिले खिले बन गए हैं पोहे। पोहा डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, वो पूरा गुड़ का पानी अब्सॉर्ब कर लेगी। देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे ढककर 1/2 मिनट के लिए रख दीजिए, ज़्यादा नहीं, 0.5 से 1 मिनट तक आप रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों देखिए बन गई है हमारी रेसिपी, 2 या 3 मिनट में बन जाती है। देखिए मुश्किल से एक मिनट ही मैंने इसे गैस पर रखा था, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, और हम फ्राई कर कर रखे हुए काजू और किशमिश मैंने इसमें डाल दिया है। देखिए अब हम सर्व कर लेंगे। आप प्रसाद के लिए झटपट कर सकते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा की तैयारी वगैरह करने के बाद अगर हमें टाइम नहीं रहता है तो झटपट से ये उनकी मन पसंदीदा पोहा स्वीट रेसिपी है, ये बनाकर आप उनको खुश कर सकते हैं। घर में आप सबको अच्छा लगेगा और बच्चे भी बहुत खासकर मज़े से खाएंगे। देखिए मैंने ऊपर गार्निश किया है, और ये भोग चढ़ाने के लिए 1 तुलसी का दल यहाँ पर मैंने रख लिया है। देखिए हमारा स्वीट पोहा रेसिपी रेडी हो गया है। आप चाहे तो इस तरह से भी देखिए पार्टी में डालकर आप भोग लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। 2 से 3 मिनट में ही आप बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आप पा लीजिए, क्यों है ना आसान रेसिपी, आप भी बनाइए और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लीजिए। आप सभी को दीप ज्योति क्रिएशन के तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए अनुमति, धन्यवाद।